हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो है, दिवाली से पहले आप अपने घर में लगवा लें ये पांच तरीके के पौधे, जिन्हें हम लकी प्लांट्स भी कहते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं उनके बारे में। घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए दिवाली से पहले ज़रूर खरीद लें ये पाँच पौधे। इनसे माता लक्ष्मी की कृपा होती है और सेहत भी अच्छी होती है। चलिए जानते हैं कि घर में कौन से पौधे लगाना शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि आपके घर में रखी हर एक चीज़ आपके जीवन में किसी ना किसी तरह की ऊर्जा लेकर आती है। अगर सही स्थान पर सही चीज़ें रख लें तो सकारात्मक ऊर्जा बनती है और आपका जीवन खुशहाल बनता है। इन्हें हम लक्की प्लांट्स भी कहते हैं। दिवाली से पहले आप इन पौधों को घर में ज़रूर लगा लें। तो इनमें सबसे पहले आता है स्नेक प्लांट। बहुत ही कम देखभाल में ही यह पौधा आसानी से बड़ा हो जाता है। स्नेक प्लांट इनडोर प्लांट है जिसके लिए बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। इससे घर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और इस पौधे को घर में लगाने से सुख शांति रहती है। अगला है मनी प्लांट। घर की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है हरा भरा मनी प्लांट का पौधा। मनी प्लांट लगाने से घर में खुशहाली आती है और धन समृद्धि आती है। सेहत के लिए भी मनी प्लांट अच्छा माना जाता है। घर के अंदर मनी प्लांट आसानी से लंबा चलता है। अगर आपके घर में नहीं है तो आज ही इसे खरीद कर ले आएं। अगला है बैम्बू। बैम्बू यानी बांस का पौधा। बैम्बू को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है बांस का पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। बैम्बू को सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। आप इसे घर की बालकनी या अंदर कहीं भी लगा सकते हैं। पानी में भी यह पौधा अच्छे से बढ़ जाता है। अगला है जेट प्लांट। क्रासुला का पौधा जिसे जेट प्लांट कहते हैं। यह पौधा घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि जेट प्लांट का पौधा जहाँ होता है वहाँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। इससे घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है और यह पौधा धन को भी अपनी ओर खींचता है। आप इसे घर के प्रवेश द्वार की दाएं दिशा में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फ्रेंड्स।